नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं आपके साथ विनय अग्निहोत्री। हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्रिप्टॉन एआई टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर अर्पित श्रीवास्तव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है यहां पर। हेलो सर, आपने जो ये एक एआई बेस्ड आपने जो है क्रिप्टॉन कंपनी बनाई, इसके पीछे का क्या स्टोरी रही, थोड़ा बताएं कैसे टर्निंग पॉइंट आया आपने जो है क्रिप्टॉन एआई जो है कंपनी आपने बनाई। सर, एक्चुअली जब हम लोग कॉलेज में थे अपने सेकंड ईयर में, तो जनरली इंजीनियर्स को आपने देखा होगा काफ़ी क्लमजी से रहते हैं, तो सिमिलरली हमारा केस था कि इन कॉलेज जा रहे हैं, कभी लेट हो रहे हैं, कभी जल्दी जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम टाइम्स में खास तौर पे हमने नोटिस किया कि जो हमारी स्कूल्स की कॉलेज की बसेस थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता था हमारा चौराहों पे खड़े रह के। ट्रैफिक सिग्नल्स ग्रीन रहते थे खाली सड़कों पे, और हम लोग जिनके पास टाइम की कमी रहती थी क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं, सुबह जल्दी पहुँचना है, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो हमने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सोल्यूशन सोचा, क्यों ना हम ट्रैफिक सिग्नल्स को ऑटोमेट करें। एंड सिमिलरली उसी टाइम पे हम लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक ऐसा सिस्टम बनाए जो कि ट्रैफिक को काउंट करे, रियल टाइम में अपडेट करके ट्रैफिक सिग्नल्स को कंट्रोल करे। तो हमने कॉलेज के टाइम पे इसको इनिशिएट किया कि कैसे हम एक सिग्नल बना सकते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करेगा। तो हमारा इंस्पिरेशन उसी कॉलेज टाइम से स्टार्ट हुआ। एंड सिमिलरली हमने तब ये नोटिस किया था कि लोग रेड लाइट वायलेशंस को जंप करते थे। अब खाली रोड है, सुबह सुबह खड़े हैं लोग 10 बजे, तो लोगों की एक मानसिकता डेवलप हो गई थी कि हम खाली रोड हम जा सकते हैं, तो इससे काफ़ी सेफ्टी भी हानि होती थी हमारे सिटीजन्स के लिए। तो फिर हमने एक पूरा एक यूनिफाइड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जो कि इंडिया का पहला पेटेंटेड अप्लाइड टेक्नोलॉजी हम लोगों की, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रैफिक कंट्रोल भी होता है और साथ ही साथ उनका चालान भी कट जाता है। जो नंबर प्लेट भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीड करता है, खास तौर पे इंडियन सिटीज़ एंड इंडियन कंडीशंस के लिए ट्रेंड है, तो किसी भी तरह की भाषा और किसी भी तरह के फॉर्मेट के नंबर प्लेट को हम 99% प्लस एक्यूरेसी से रीड कर सकते हैं। हमने इसी के इंस्पिरेशन के साथ इसको भोपाल में कई जगहों पर टेस्ट किया, पायलट किया, एंड एक सफिशियंट रिजल्ट मिला। इसके लिए हम लोग नेशनल स्टार्टअप अवार्ड फाइनलिस्ट थे ईयर 2021 में, एंड मोदी जी से हमें नेशनल स्टार्टअप डे 2022 में एक प्राइवेट भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होता है, हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस, उससे हमें काफ़ी सर ने सराहना दी थी हम लोगों को कि आप लोगों का इनोवेशन काफ़ी टेक्निकल है एंड काफ़ी रिक्वायरमेंट है। हमारे जो टीयर वन सिटीज़ हैं, बैंगलोर, दिल्ली, काफ़ी ट्रैफिक जैम्स, कंजेशंस, मेंटल पीस को भी एक इम्प्रूव करेगा हमारा सिस्टम, जो हमारा कंडीशंस को इम्प्रूव करेगा। तो उसी विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, ये आपकी अभी सर्विस कहाँ कहाँ अवेलेबल होगी, इसके बारे में बताएंगे कुछ? सर, हम लोग स्मार्ट सिटी भोपाल में काम कर रहे हैं, साथ ही साथ नगर निगम के साथ हमने काम किया है, एंड स्मार्ट सिटी ग्वालियर में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। एंड एयरपोर्ट भोपाल को हमने इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एयरपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम दिया, जिससे कि पूरा बैरियरलेस एंट्री एंड एग्जिट को हम लोग ने टारगेट किया है, एंड विद इन नेक्स्ट मंथ ये लाइव हो जाएगा। एंड इसमें हम लोग ब्लैकलिस्टिंग व्हीकल्स को भी इंक्लूड किया है। तो अभी हमारे इन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इन जगहों पर, एंड वी आर स्टिल एक्सपैंडिंग द जोग्राफिकल लोकेशंस। सर, जो आपका जो सर ये एआई बेस्ड जो आपकी कंपनी, इसके आगे क्या प्लान्स हैं, और जैसे आपने जो है भोपाल एयरपोर्ट को जो है इंडिया का पहला एयरपोर्ट जो है बना दिया जो है, इसके और क्या प्लान? सर, वही है कि ये स्टार्टअप को यूनिकॉर्न तक ले जाना है, मध्य प्रदेश का पहला अपना खुद का यूनिकॉर्न हम बन सकें, ये सपना लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड सिमिलरली हम ज्योग्राफीज़ को एक्सपैंड करके टारगेट करेंगे उन सिटीज़ को जिनको हमारी एक्चुअल में ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, जैसे बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, जहाँ पे काफ़ी कंजेशन हैं ट्रैफिक्स के भी और रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग टारगेट करेंगे कि हम उन जाके जगहों पे जाके लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। एक नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा अगर इंसान को मिलेगा तो हमें उससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सर, सर अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने जो एक कंपनी बनाई थी, कब 2020 बनाई? ये हम लोगों ने कॉलेज पास आउट करते करते नवंबर 2020 में बनाई थी। 2020 में आपने कंपनी बनाई, तो कंपनी बनाने के लिए सर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया इस कंपनी को जो? सर, पूरा बूटस्ट्रैप था, हम लोग एज एन एम्प्लॉई से, इंटर्नशिप से जो पैसा कमाया, घर वालों के सपोर्ट से जो पैसे मिले, हम लोगों ने सेल्फ इन्वेस्ट किए, जब तक हमारा एक सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस नहीं मिल सके। हम लोगों ने इसको फिर लास्ट ईयर सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस में कन्वर्ट किया, जिसमें हम अप्रॉक्सीमेटली 40-50 लाख का टर्नओवर करते हैं, एंड वी हैव रिसीव सम फंड्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एज वेल, मिटी एंड स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम, काफ़ी सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने भी हमें, एंड सिमिलरली स्टेट में भी काफ़ी एमपी स्टार्टअप पॉलिसीज, एमपी एमएसएमई पॉलिसीज हैं, जिसके तहत हम लोगों को एंट्री करने का मौका मिला। आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, जब आपका प्रधानमंत्री जो आपका आपका स्टार्टअप के बारे में जानते हैं और आपने देखा भी है इवेंट में, उस समय दौरान क्या प्रधानमंत्री जी ने आपको क्या मैसेज दिया, क्या बातचीत हुई आपको? हम लोगों का सेक्टर था इनोवेशन, टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर,
तो उसके तहत हम लोगों को जब हमने अपना प्रेजेंट किया था तो सर ने काफ़ी सराहना मिली थी हमें। वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, कोरोना काल चल रहा था उस टाइम पे, तो मिलना संभव नहीं हुआ उनसे सामने, लेकिन अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दौरान फिर से उनसे मुलाकात हुई थी हमारी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमें इन्वाइट किया था अपना बैरियरलेस ट्रोलिंग सिस्टम और एयरपोर्ट का अपना सिस्टम वहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए। काफ़ी पॉजिटिव हमें प्रोत्साहन मिला वहाँ से भी कि आप आगे बढ़ें, काम करें, अच्छा काम करें, तरक्की दें, देश को आगे ले जाने में मदद करें, तो काफ़ी हमें इंस्पिरेशन मिला है वहाँ से भी। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। थैंक यू सो मच सर, मुझे थैंक यू सो मच, थैंक यू।